अस्सलामुअलैकुम। तो जिक्र हो जाए आज उस फिल्म का जो साल 1966 में 78 नंबर पर रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था अपुन दुलाल। नाजरीन, बहुत कोशिश के बावजूद मैं अपुन दुलाल का मतलब मालूम नहीं कर सका, जिसके लिए मैं माजरत खा हूं। जुपिटर फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म के सरमायाकार एहतशाम थे, जिसकी हिदायतकारी नजर इस्लाम ने की। फिल्म की कहानी बेबी इस्लाम ने लिखी, अक्सबंदी का काम अफजल चौधरी ने अंजाम दिया। बंगाली जुबान की यह फिल्म ढाका के बंगला फिल्म स्टूडियो में तैयार की गई। अदाकारों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। क्योंकि हमारे चैनल पे है पाकिस्तान की 1948 से लेके अब तक की तमाम फिल्मों की मुकम्मल तफसीलात। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार जलवागर हुए, आइए देखें। फिल्म के नुमाया अदाकारों में इनाम अहमद, शौकत अकबर, आजम, सुमिता देवी, कल्पना, नसीमा खान और फतेह लोहानी शामिल थे। इस फिल्म की मौसीकी के शोभा में कौन कौन से नाम शामिल थे, किस गुलकार ने इसमें गाने गाए, किसने उनकी शायरी की और किसने इस फिल्म का म्यूजिक तरतीब दिया, आइए देखें। नाहिद नियाज़ी, फिरदौसी बेगम, अंजुमन आरा, नीलोफर बेगम, शहनाज, अब्दुल जब्बार खान और बशीर अहमद के गाए गानों की शायरी अख्तर यूसुफ ने की, जिनका म्यूजिक अल्ताफ महमूद ने तरतीब दिया। और नाज़रीन, यहाँ पर मेरी मालूमात इस हवाले से बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था एक वीडियो में कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बंगाली फिल्मों के हवाले से ये बड़ा ही अफसोसनाक मुकाम है कि इनकी मालूमात ज़्यादा नहीं मिलती। ये कुछ मेरे बांग्लादेश से सब्सक्राइबर दोस्त हैं जो मुझे मालूमात फराहम करते हैं, लेकिन गानों के बारे में वो भी कई बार ढीले पड़ जाते हैं। तो उम्मीद है आप मेरी इतनी सारी मेहनत को देखते हुए ये छोटी सी गलतियां माफ़ किया कीजिए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, यह फिल्म 11 नवंबर 1966 बरोज़ जुमा को ढाका के आज़ाद, मलंचा, बड़ा मोताला और बीजीबी सिनेमा में रिलीज़ की गई, मगर कोई खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर सकी। यूं ये फिल्म किसी भी दर्जाबंदी में शामिल हुए बगैर माजी के गर्द में गुम हो गई। तो नाजरीन, ये था फिल्म अपुन दुलाल का एक मुख्तसर छोटा सा रिव्यू। उम्मीद है आप इस थोड़े को ज़्यादा जानेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चले ज़्यादा ना सही, कुछ ना कुछ मालूमात आपको ज़रूर हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।